गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कोशिकांग में सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया जिसके बारे में बता रही हूँ। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जूता देखती है ना, जूता देखिए कि नहीं। जूते की संरचना का एक आकार माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ठोस दानेदार के रूप में दिखते हैं, ये छड़ के रूप में भी रहता है, एक सौसर के रूप में भी रहता है और छोटे छोटे कण के रूप में भी ये पूरे कोशिका द्रव्य में फैला हुआ रहता है माइटोकॉन्ड्रिया। समझ गए बात को? ये माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकाओं का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसको कोशिका का शक्तिगृह कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल इसे कहा जाता है। अगर परीक्षा में आए कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, कोशिका की शक्तिगृह कौन कहलाता है, तो उत्तर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना को हम जब देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से तो क्या दिखाई पड़ता है कि ये दोहरी झिल्ली का बना होता है। कैसा बना होता है? ये दोहरी झिल्ली का, डबल मेम्ब्रेन का बना होता है, ठीक है ना, ऐसे दोहरी झिल्ली का। और यहां पर उंगली के समान इस तरह का संरचना दिखाई पड़ता है। क्या? ये दोहरी झिल्ली का बना रहता है, डबल लेयर का बना रहता है, इस तरह की उंगली के उभार जैसे, उंगली है ना, उंगली के उभार जैसी संरचना दिखाई पड़ती है जिसको, और इस उंगली के उभार जैसी संरचना को हम कहते हैं क्रिस्टी। क्या कहते हैं इसको? हम क्रिस्टी कहते हैं। याद आ गया? क्या कहेंगे उसको? हम क्रिस्टी कहेंगे। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के जो दो झिल्लियों के बीच का स्थान है, एक ये स्थान और एक ये स्थान है ना, बीच में खाली है ना, ये वाली खाली दिख रहा है जगह, हाँ ये नहीं बोलो, दिख रहा है ना, तो इस खाली झिल्ली को पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। इसके भीतर की तरफ उंगली के समान कई संरचनाएं पाई जाती हैं जिसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी। नाम याद रहेगा? क्रिस्टी। कितना बढ़िया नाम है इसका, नाम कितना देने वाला, बढ़िया नाम दिया है क्रिस्टी, ठीक है। इसका आकार क्या होता है? ये दानेदार भी हो सकता है, ये ठोस भी हो सकता है, ये छड़ की तरह भी हो सकता है, ये सौसर भी हो सकता है, ठीक है ना। छोटे छोटे कणों के रूप में पूरे साइटोप्लाज्म में ये बिखरा हुआ रहता है, इस तरह से भी बिखरा हुआ रहेगा। ये कई बार इस तरह आकार में रहता है, कई बार इस छड़ के आकार में रहता है, कई बार ये कण के रूप में रहता है, अलग अलग सेल में अलग अलग रूपों में ये विद्यमान रहता है, ठीक है। इसके बाद इसकी संख्या, एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 50 से लेकर के 5000 तक होती है। कितनी होती है संख्या इसकी? 50 से लेकर के 5000 तक होती है। और एक्टिव, एक युवा व्यक्ति जो एक्टिव है, सक्रिय है, काम करता है, खिलाड़ी है, ठीक है ना, और काम करता है, एक्टिव है, उसमें इसकी संख्या अधिक होती है। और जो लोग सुस्त हैं, युवा भी हैं सुस्त हैं, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है, ठीक है। क्योंकि क्यों एक्टिव में ज़्यादा रहता है? तो शक्तिगृह है भाई, इसको ऊर्जा देना पड़ता है, तो जिसको ऊर्जा देना पड़ेगा वो ज़्यादा काम करेगा। हम ज़्यादा एक्टिव है तो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया का, हमारी सेल को, सबको एक्टिव होना पड़ेगा, है ना, सबको काम करना पड़ेगा, तब जा करके कोई व्यक्ति एक्टिव होगा। अगर परीक्षा में आता है कि अगर एक स्वस्थ युवा व्यक्ति है तो उसके शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होगी या कम होगी, तो क्या उत्तर होगा? उत्तर बताओ, अधिक होगी, राइट। एक्टिव लोगों में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होगी, समझ गए। बना किसका होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया? किसका बना हुआ रहता है? तो वसा और प्रोटीन का बना हुआ रहता है, फैट एंड प्रोटीन का बना हुआ होता है। हमारी कोशिका किसकी बनी होती है? वसा और प्रोटीन की होती है, कोशिकाओं प्रोटीन की बनी होती है। इसीलिए जब मैं अगले आपको पढ़ाती हूँ तो ये कहती हूँ हमारी कोशिकाएं प्रोटीन की बनी होती हैं, और हमें चुस्त दुरुस्त और अच्छा बनाए रखने के लिए हमारे भोजन में प्रोटीन से भरपूर चीज़ों को ग्रहण करना चाहिए, प्रोटीन युक्त आहार ग्रहण करना चाहिए, जैसे दूध है,
ठीक है, दही है, पनीर है, दाल है, इनमें प्रोटीन की मात्रा होती है। जो लोग मांसाहारी हैं वो अंडा खा सकते हैं, मांस खा सकते हैं, मांस का शोरबा पी सकते हैं, है ना। और जो शाकाहारी है उनको तो दूध, दूध से बने पदार्थ उनको पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि हमारी कोशिकाएं किसकी बनी होती हैं, प्रोटीन की। तो ये किसका माइटोकॉन्ड्रिया किसका बना हुआ होता है, वसा और प्रोटीन का। इसमें 25% तक तो फास्फोलिपिड होता है, 25% तक इसको फास्फोलिपिड होता है। जब हम आपको सेकेंड ईयर में आप पढ़ोगे ना, तब बताएंगे कि लिपिड में कौन से फास्फोलिपिड है ना। अभी इस पर हम चर्चा नहीं करते, हम केवल याद रखना कि 25% इसमें क्या होता है, फास्फोलिपिड होता है, और 0.05% इसमें आरएनए, क्या होता है इसमें, आरएनए, आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या नाम है इसका, राइबो, इसको मिटा देती हूँ बेटा, है ना, इसको मिटा देती हूँ। आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, समझ गए बात को, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। और इसके अलावे है ना, 25% तो इसमें है ही फास्फोलिपिड, 0.5% आरएनए, और इसके अतिरिक्त इसमें डीएनए भी पाया जाता है। डीएनए ऐसे ज़्यादातर के डीएनए किसमें पाया जाता है, हमारे जीन्स में, जीन्स में, जिसके कारण हमारा चरित्र, हमारा कैरेक्टर, हमारी शक्ल सूरत, हमारी लंबाई चौड़ाई, हमारे माँ बाप से, दादा दादी से, नाना नानी से, मतलब हमारे जो लोग हैं उनसे मिलता है, जिन्होंने हमें पैदा किया है, जिनकी खून हमारे भीतर प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ, कोई मालूम है, मालूम है तो बताओ, डीएनए का फुल फॉर्म नहीं मालूम तो चलो बता देती हूँ, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक, उसका आरएनए का नाम था राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका है तो डीऑक्सी जोड़ दो, बाकी सब वही है, ठीक है, याद हो गया ना। इसके बाद ये क्या काम करता है कि जब हम सांस लेते हैं तो सांस में हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान, सांस लेने के दौरान ये खाद्य अणु जो भी है, जो हम खाना खा रहे हैं, है ना, रोटी खाया, दाल खाया, चावल खाया, तो सूक्ष्म कण में टूट जाते हैं ये, क्या साबुत रोटी अपन खाते हैं तो जाते हैं तो टुकड़ा लेते हैं, मुँह में चबाते हैं, अब फिर वो अंदर जाके पिसता है, ये मैं आगे डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाऊंगी, है ना, अभी नहीं समझ में आएगा। तो सांस लेने के दौरान, श्वसन के दौरान खाद्य अणु जो हैं, ये खाद्य अणुओं को, है ना, खाद्य अणुओं को ऑक्सीजन के साथ मिलकर के, खाद्य अणुओं को किसके साथ मिलेगा, ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ये है एडीपी ऊर्जा को एटीपी ऊर्जा में बदल देता है। अब कहोगे एडीपी क्या है, एटीपी क्या है मैडम, एडीपी ऊर्जा जो है स्थिति ऊर्जा है, मतलब वो काम नहीं करना है, सोने वाला ऊर्जा, रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, स्थित मतलब अभी ठहराव में है, ठीक है। तो स्थिति ऊर्जा को ये किस में ऊर्जा में बदल देता है, ये एडीपी मतलब गति ऊर्जा में, काम वाली ऊर्जा में ये बदल देता है, समझ गए बात को। यह एडीपी, एडीपी का फुल फॉर्म क्या है मालूम है आपको, चलो मैं कर देती हूँ, इसको मिटा देती हूँ बेटा, एडीपी का मतलब है एडीनोसिन, डी से हो गया डाई, और पी से हो गया तुम्हारा फास्फेट, और एटीपी में क्या हो गया, एटीपी, बाकी सब यही एडिनोसिन, डाई के जगह पर हो गया ट्राई, टी से क्या हो गया ट्राई, और बाकी सब फास्फेट वही है। तो ये क्या करता है, एडीपी ऊर्जा को एटीपी ऊर्जा में बदल देता है, और इस ऊर्जा को, जैसे हम जो खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, या हमें प्यास लगती है, तो हम आगे बताते जाएंगे कि प्यास हमें क्यों लगती है, कौन सी कोशिका का अंग है
जिसमें पानी की मात्रा अगर कम हो जाती है तो हमें प्यास लगता है। ठीक है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो आज मैं एडीपी, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया एडीपी ऊर्जा को एटीपी ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया का जब विभाजन होता है तो नए माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण होता है। पुराने माइटोकॉन्ड्रिया का जब विभाजन होता है ना, तब नए माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण। एक कोशिका विभाजन में आपको बताऊंगी कि सारे अंग दो दो भागों में बट जाते हैं। केंद्रक भी दो भागों में बट जाता है, सेंट्रोजोम भी दो भागों में बट जाता है, कोशिका भी दो भागों में बट जाता है, उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो भी दो भागों में बट जाता है। ये मैं सेल डिवीजन बताऊंगी। तो आज मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया जो बहुत सबसे महत्वपूर्ण है। अक्सर एग्जामिनेशन में आता है कोशिका गृह किसको कहा जाता है, कोशिका का शक्ति गृह किसको कहा जाता है। तो अपन एग्जाम्पल आंसर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया किसका बना होता है, वसा और प्रोटीन का। यह क्या करता है, यह एडीपी ऊर्जा को एटीपी ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। इसका आकार कैसा हो सकता है, छड़ के आकार का भी हो सकता है, कण के आकार का भी हो सकता है, सौसर के आकार का भी हो सकता है। इसके अंदर जो ये उंगली के समान उभार होता है जिसको हम क्रिस्टी कहते हैं, नाम कितना सुंदर है, घर में सोचे क्रिस्टी, तो इसके अंदर सुंदर जो आधार है ना इसको हम क्रिस्टी कहते हैं। दोहरी झिल्ली का बना रहता है। बीच का स्थान को पेरीमेट्रिकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं, है ना, पेरीमेट्रिकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। तो आज मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिटेल्स में बताया है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखना, पढ़ना, समझना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। आप कमेंट करते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे भी लगता है बच्चों को समझ में आ रहा है, और नहीं समझ में आता है तो बताना कि मैडम समझ में नहीं आया है, मुझे फिर से बता दीजिए, फिर से मैं बता दूँगी। तब तक के लिए मुझे बाय बाय, इजाज़त दो, अगले वीडियो फिर मिलते हैं।